लोकी बाबू इतना इनको समझा रहे हैं लेकिन फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं। आप इनको 5-6 साल के ठीक है, उसमें डूब गए थे हम लोग, दूसरे से बचे ठीक है। हीरा कुंड के नाम से भी जानते हैं इस नदी को। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की पार्टी किधर चलने वाली है? हम कहीं जाने वाले हैं, एक्चुअली साइट पे तो हमें जाना है अभी, लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं और जाना है और वो आप लोग जाते हुए देखेंगे हम लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। अभी बज चुके लगभग 11:30 और 1 बजे के करीब निकलेंगे, लंच टाइम होगा तभी। हमारी ट्राइबल बैठी अभी रेडी होके, अभी हम चलने वाले कहीं और पे। गाइस अभी हम साइड के लिए निकल चुके हैं और साइड जाएंगे पहले कुछ काम करना है, क्योंकि बारिश तो बाहर हो रही है फिर भी हमें अपना काम करते रहना है। तो आज हमारे ट्राइबल के लोग सारे जुड़ चुके हैं हमसे, मिल सकते हैं आप। ये हैं मिस्टर कृष्णा और मिस्टर मुकेश को आप ऑलरेडी जानते हैं। आगे हमारे सर बैठे हुए हैं, पहचान लीजिए। तो इधर मिस्टर केदार जी बैठे हैं। बड़ा बढ़िया महक रहा है यार, क्या महक रहा है, कुछ समोसे जैसा महक रहा था यार अभी। हमारे ढेंकनाल में सबसे महंगी फल मंडी है ये वाली, आप देख रहे हैं यहाँ। हम इसको 4 साल से देख रहे हैं भाई साहब, लेकिन अभी क्या बोलूँ, 4 साल से देख रहा हूँ और मैं पूरे ढेंकनाल में हर एक फल की दुकान ढूंढ चुका हूँ भाई, और सबसे महंगी फल यहीं में मिलती है और उसका रीज़न पता नहीं क्या भाई, हो सकता है कश्मीर के बाहर से फल वगैरह आता होगा। भाई हमारी बात चले अभी एनसीआर डेज का, एनसीआर डेज अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, यूट्यूब पे पड़ा है रेड टाइमलाइनर्स पे। और उसका यार क्या हर एक एपिसोड बहुत जबरदस्त है भाई, हम लोग उसी पे बात कर रहे थे अभी। देख सकते हैं बारिश में लोग फिर भी अपने काम करने लग जा रहे हैं, लोग जाहिर है भीड़ लगी पड़ी है। तो हमारा कृष्णा उतर रहा है शायद, इसका गाड़ी से कुछ कोई आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बस में, तो उसका बस में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आ रहा है इसका भाई का, तो ये उतर के उसको रिसीव करेगा। इस चक्कर में इसको जाना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग जाएंगे अभी। ठीक है कृष्णा, मिलते हैं बाबू मंडे को। कृष्णा स्कूटी ले गए, एक्चुअली क्या है कि हमारे गाड़ी में तेल की कमी थी, तो अभी गाड़ी में तेल भरवाएंगे उसके बाद निकलने वाले हैं। देखिए पेट्रोल पंप को मत दिखा दीजिए, पिछली बार पेट्रोल पंप को दिखाया था और उस पर केस हो गया। इससे थोड़े हम नहीं चाहते भाई कि FIR हो आपके नाम पे। हम लोग छोटे संदीप जी से जेल में मिलने जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ब्रो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइवेसी की प्राइवेसी रहने। हम छोटे क्रिएटर, हम तो चाहते हैं कि हमें कोई रोस्ट भी कर दे तो अच्छी बात है यार, हम तो रोस्ट भी हो जाएंगे भाई। रोस्ट और FIR में फ़र्क है ठीक है। FIR कौन सा वाला FIR? जो भी FIR करो कम से कम न्यूज बॉय और नियॉन मैन ये लोग तो कवर करेगा ना भाई, तो अच्छी बात है। ऑफिस से निकले हुए हम लोग को 16-17 किलोमीटर हो चुका है अभी, तो जल्दी पहुंचने वाले अपने मेन चैनल पे, उसके बाद टर्न लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हाँ हम किस लिए जा रहे थे। वैसे भी आप लोगों को थंबनेल से पता लग जाएगा, इंट्रो में भी डाल लूंगा भाई मैं वो। यह बहुत समय हो गया हम लोग को चले चले, अब लग गया है पेशाब, तो मूत्र विसर्जन करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे सभी ट्राइबल के लोग उतर चुके हैं मूत्र विसर्जन के लिए। मेन रोड है ना वो, हमारा साइट वाला रोड है, वहाँ से हम कट मार के थोड़ा सा अंदर जाएंगे, 1.5-2-3 किलोमीटर का अंदर एरिया है उसमें बस जाएंगे। ये रही हमारी आज की वाहन जिसको सवारी करके हम जा रहे हैं। अरे ये कुछ भी कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, एक बाद में गलती से कनेक्ट हो जाएगा तो मतलब इसका एक काम करता है एक काम नहीं करता है ठीक है, बिल्कुल डेथ हो गया मतलब बोल दो ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा है ये, बिल्कुल डेथ हो गया, मर गया वो ठीक है, सुसाइड कर लिया उसने। जो जिस चीज़ के लिए आया था वो तो हमारे सामने आपको दिखा सकते हैं, अभी बस थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दें। तो बारिश की वजह से इतना तेज पानी भर गया है ना कि पूरी नदी फैल चुकी है, वैसा मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या भजन का पानी भरा है यार। इसी के लिए तो फाइनली इतना मेहनत करके आए थे, क्या ब्रो? ये महाबली की जय जगन्नाथ। आज
माना धीमे छलांग लगाने वाले हैं, संदीप जी हमसे प्यार नहीं करते हैं, ये बार बार बस हमें बरगलाते रहते हैं। देख रहे हैं ना भाभी, अगर भाई कूदो मत यार। तो कहने का मतलब यही है कि हाँ लोग मुकेश जी का शादी नहीं हो रहा है ना, तो वापस इसी तरह से तो रो रहे हैं कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मैं कूद जाऊँगा, कूद के जान दे दूंगा। You don't see the things I see, I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all door. तो हम लोग आ चुके हैं महानदी, आप जो देख चुके हैं, संदीप जी आपको बताए भी होंगे, ये हम लोग ऊंचे बीच पे आए हुए हैं। एक्चुअली क्या है ये, और यहाँ पे लौकी बाबू काफ़ी डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है कहीं ये ब्रिज ना गिर जाए, और हमारे ब्रिज इंजीनियर का मतलब इज्जत क्या रहेगा यार अगर ब्रिज गिर गया तो। अरे भाई मैं खुद बनवाया हूँ इसको, आप टेंशन मत लीजिए। और देख लीजिए और ये महानदी कितना भर चुका है, मतलब पहले हम लोग आते थे स्टार्टिंग में काफ़ी नॉर्मल रहा करता था, लेकिन अभी बहुत ही मतलब दुगना भर गया है, और लौकी बाबू काफ़ी डर लग रहा है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम लोग चलेंगे। और संदीप जी हमारे ब्रिज अच्छा बनाया है, दिक्कत नहीं है, नहीं गिरेगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं कन्वेंस करने की भाई नहीं गिरेगा। लौकी बाबू बोल रहे भाई ये हिल रहा है, अब यहाँ रहना सही नहीं है, नहीं नहीं गिरेगा भाई, हमारे ब्रिज इंजीनियर से पूछ लीजिए भाई ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यही बिल्कुल नहीं गिरेगा। ऐसा कह सकते हैं कि ये नदी जो है ना मतलब 132,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, पूरा बहाव रहता है इसका, इसको हम महानदी या हीरा कुंड के नाम से भी जानते हैं इस नदी को। और इसकी लंबाई जो फैली हुई लंबाई पूरा 900 किलोमीटर में पूरा आता है भाई। हिम्मत है ऐसे मैं खड़ा हूं, ऐसे मैं खड़ा जा बैठी गया भाई, हिम्मत है। एक बार क्या बता कि हम मतलब बचपन में काफी गंगा नदी किनारे हमारे घर है, तो हम जाते थे मतलब तैरने के लिए, तो तैरना भी थोड़ा थोड़ा सीखे थे, तो भाई को बोले कि मैं दिखाता हूँ तैर के, और डूबने लगे, और तब से मैं तैरने की कोशिश नहीं किया भाई। बचपन में नाला दी गए बचपन में, हम होंगे 5-6 साल के, ठीक है, उसमें डूब गए थे हम लोग, बड़े मुश्किल से बचे, ठीक है, सच में यार ये सच्ची घटना, ठीक है जी। देख लीजिए ये क्या कर रहा है बंदा, देख लीजिए ध्यान से आप, ये कह रहे हैं भाभी जी प्यार नहीं करते हमसे, इसलिए ऐसे से कर रहे हैं हरकतें, आप इनको बोलिए। लौकी बाबू इतना इनको समझा रहे हैं लेकिन फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं, आप इनको क्लास लीजिएगा शाम को। जैसे हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से, और हो चुका है लगभग 1:15, तो डायरेक्ट रूम पे जाएंगे। भाई संदीप जी पूरा कोशिश किए हम लोगों को छोड़कर जाने का, लेकिन हम पकड़े भाई, पैर पकड़ पकड़ रोके भाई मत जाइए, फिर भाभी जी का नाम लेकर कसम दिए फिर जाके ये रुके। अरे वाह लोकेंद्र जी चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय खत्म हो गई कि है, चाय खत्म हो गई है, पोज देने के लिए बैठे हुए इस तरह से, ये हमारा चाय पी के हो गया, चाय पी के ऐसे बैठने में मजा ही अलग है, क्या करो। फाइनली रूम पे आ गए गाइस हम लोग, अब बज चुका है लगभग 2:30 के करीब बजे हैं अभी, रूम पे जाएंगे आज लंच के बाद, हम लोग का थोड़ा सा शायद हो सकता है पॉसिबल नहीं है साइट या ऑफिस जाना, बस यहीं तक।